सैयद वलद आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आबद जुबैर साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड कैबिनेट, इश्तियाक खान साहब सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड कैबिनेट, सिस्टर लॉयर्स, ब्रदर लॉयर्स, मैं मुख्तसरन तीन बातें रूल ऑफ लॉ के हवाले से और आज जो हालात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है अफगानिस्तान से होते हुए दुनिया के आखिरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे निचली सतह का जो मुल्क है, जो तीन हिस्सों में तकसीम है, वो भी हमारे 5 रुपये दें तो आपको उनका एक करेंसी नोट मिलता है। इस हालत तक बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए एक अदल बिल्लैल किया गया, निस्फ शब को इंसाफ करने के लिए अदालत खुली, और उस वक्त मैंने देखा वहाँ जो उम्मीदवार थे इक्तदार के और बहुत सारे वकला और भी मौजूद होंगे, उन सब ने कहा कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। रूल ऑफ लॉ के हवाले से सेमिनार है, मेरी पहली गुजारिश आपसे ये है कि ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या ये तकदीर बदली है। सुप्रीम कोर्ट समेत सारे इदारों से मुतालबा करता है अरशद शरीफ, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और उसको हंड डाउन करके मार दिया जाता है, क्या तकदीर बदली। हसान जाता है बेल कराने के लिए, उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उठा लिया जाता है, क्या तकदीर बदली। एक लेडी डॉक्टर मुल्तान की अपने क्लिनिक में जाती है, उसको उठा लिया जाता है, क्या तकदीर बदली। पाकिस्तान के लोगों को आज एक नए किस्म के शहदा को खराज तहसीन पेश करना है, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और जिसमें हजरात भी शामिल हैं, वो है आटे के शहदा। आटे की लाइनों में लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदली। अगर नहीं बदली तो फिर ये जो तकसीम है कि जब कोई और किसी मौजू पे एक सुओ मोटर नोटिस होता है तो आप कहते हैं ये बुरा सुओ मोटर नोटिस है, लेकिन मुझे कोई इख्तियारो इक्तदार में लाने के लिए, हुकूमत के संघासन पे बिठाने के लिए अगर कोई सुओ मोटर नोटिस होता है तो वो एक अच्छा है। ये जो अच्छे और बुरे की तकसीम थी, ये पहले दहशतगर्दी में थी, अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, जिन्होंने पाकिस्तान को 1979 से लेकर 2023 तक इतनी बड़ी खून की नदियों में और खून के दरियाओं में से गुजारा है जिसकी जनूब मशरकी एशिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मावराए आइन किया जाएगा उसका नतीजा दुरुस्त नहीं होगा। ख़वातीनों हज़रात, मैं दूसरी बात जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि एक जस्टिस जवाद की जजमेंट है, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच में से मेजॉरिटी जजमेंट आई है। दोनों जजमेंट ये कहती हैं, और उससे पहले 1973 12 अप्रैल के दिन जो आईन हमने बना के अपने ऊपर लागू किया था, लकीली आई एम वन ऑफ द को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हफीज भी ज्यादा उसके असल ऑथर थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। मैं कौम को उस खतरे से, वकला को उस खतरे से, मैं इंटेलिजेंसिया को उस खतरे से, मैं पाकिस्तान के इदारों को उस खतरे से, और मैं जमहूरियत में दिलचस्पी रखने वाले सारे आलमी इदारों, ह्यूमन राइट्स में दिलचस्पी रखने वाले सारे आलमी इदारों को मुखातिब करके आपको कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क वो है जहाँ 90 दिन का वादा करने के बाद एक आया 90 दिन वाला हुक्मरान, उसने अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन रिजीम को, जो सबसे पहला आया उसने 3.5 साल गुजारे, दूसरा आया उसने 10 साल गुजारे, तीसरा आया उसने 4 साल गुजारे, चौथा आया उसने 11.5 साल गुजारे, पांचवा आया उसने पाकिस्तान में 9.5 साल गुजारे। मुझे खदशा ये है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर वो 9 साल भी हो सकते हैं, वो 11 साल भी हो सकते हैं। हमें 91 वाला दिन जो है, एक दिन फालतू वो भी कबूल नहीं, एक घंटा फालतू कबूल नहीं, हमें 1 मिनट भी फालतू कबूल नहीं। मैं उन सबसे जो
जो हम में से उठ के बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, अर्ज करना चाहता हूं, इधर वापस आना होता है। यही दामन में लेती है बार एसोसिएशन की मां में। जब भी किसी का ओहदा टूटता है, किसी का दिल टूटता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, किसी की सियासत टूटती है, लौट के आ जाता है, गले से लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान में। गर्मी हो, सर्दी हो, रमजान हो, शाबान हो, दिसंबर हो, जुलाई हो, मार्शल लॉ हो, सुपर मार्शल लॉ हो, आज की तरह गैर एलानिया मार्शल लॉ हो, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बार एसोसिएशन अपने अंदर जमहूरी अमल को हमेशा जिंदा रखती है। फिर मैं सलाम पेश करता हूं आप सबको। डर किस चीज का है? कोई जीत जाएगा तो जीतने दो। हर साल यहां कोई जीतता है, हर साल यहां कोई हारता है, हर साल कोई ऊपर आके बैठता है, हर साल कोई नीचे गुजारा करता है। हिम्मत पैदा करो, कौम का फैसला कबूल करो। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, चार जगह लिखा हुआ है, पाकिस्तान का निजाम क्या होगा लोग फैसला करेंगे। कैसे फैसला करेंगे? वन मैन वन वोट के जरिए फैसला करेंगे। कैसे वन मैन वन वोट डाला जाएगा? इलेक्शन के जरिए डाला जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा? 218(3) कहता है फ्री होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री इलेक्शन करा सकता है? दूसरी बात, फेयर इलेक्शन होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फेयर करा सकता है इलेक्शन? आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे ख्वातीनों हजरात, एक नया एक्ट पास हुआ है। उससे पहले मैं दो आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 50 में तीन हिस्से हैं पार्लियामेंट के, पहला हिस्सा सदर, दूसरा हिस्सा कौमी असेंबली, तीसरा हिस्सा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों ऐवान पास भी कर दें तो सदर के सामने दो रास्ते आईनी तौर पे खुले हैं। वो चाहें तो एक रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो चाहें तो बिल वापस कर सकते हैं कि ये आईन के खिलाफ है। लेकिन उस बिल में कुछ मुतालबात ऐसे भी हैं जो बार एसोसिएशन हमेशा उनको उठाती रही है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, खुदारा गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा भी, मेरी आपसे इल्तजा है, जो सेक्शन 7 है इस नए प्रपोज्ड एक्ट का, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं बनेगा जब तक इसको सदर असेंड नहीं करेंगे, उसमें लिखा हुआ है रूल्स नॉट विथ स्टैंडिंग, कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, नो जजमेंट, हाई कोर्ट साथ नाम लिखा हुआ है, नो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। इतनी जुर्रतमंद और बहादुर पार्लियामेंट को मैं सलाम पेश करते हुए सिर्फ उनसे एक मुतालबा करना चाहता हूं, बहादुरों, गाजियों, तुमने कमाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए, बिजली महंगी है, ओगरा के रूल्स बनाओ, नेपरा के रूल्स बनाओ, जरा तेल महंगा है, ओगरा के रूल्स बनाओ, नेपरा के रूल्स बनाओ, हिम्मत है तो आर्मी एक्ट 1951 के रूल्स बनाकर दिखा दो। तबाही मिली, हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली। गर्चे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पाप रहना चलो नोगे हर हार पर, एक नजारा ही जिंदगी यूं ही सही, रक्स करते चलो तेग की धार पर। इसमें शामिल है सुर्खी जमा खून की, आसमानों से रंगे शफक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो,
पाकिस्तान के वकला जिंदाबाद, पाकिस्तान का आइन